राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गहलोत के अनुभव का लाभ लेने के लिए उन्हें अब संगठन AICC में महासचिव का पद दिया गया है। पर राजस्थान में कांग्रेस में गहलोत समर्थकों में निराशा है, वहीं सचिन पायलट के समर्थकों में खुशी का माहौल भी है, क्योंकि अब तक अलग अलग धड़ों में बटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में CM की दावेदारी को लेकर खींचतान अक्सर नजर आती रही है। गहलोत के महासचिव बनाए जाने से पायलट का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में अंदरूनी कलह की चर्चा हमेशा रहती है कि राजस्थान में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा। अशोक गहलोत की अगर बात करें तो उन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है। इस समय चारों तरफ भाजपा के वर्चस्व को देखते हुए कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव और 2019 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस अनुभवी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए गहलोत को भी संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पिछले दिनों हुए कांग्रेस के 84वें महाअधिवेशन में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ऐलान किया था कि पार्टी अनुभवी नेताओं का संगठन में मार्गदर्शन लेकर युवाओं को राजनीति में आगे लाएंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत को भी केंद्रीय संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इससे राजस्थान की राजनीति में क्या असर पड़ेगा यह देखने वाली बात है। इसके दो मायने लगाए जा रहे हैं, अशोक गहलोत को राजस्थान से किनारा कर दिया गया है या फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है। इससे कांग्रेस के एक खेमे में निराशा है तो एक खेमे में अंदरूनी खुशी का माहौल भी है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को ओडिशा और सांसद राजीव सातव को गुजरात का AICC प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी में पिछले कई वर्षों से संगठन महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे द्विवेदी को इस पद से और महासचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। उनकी जगह गहलोत को संगठन एवं प्रशिक्षण का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। फिलहाल राजस्थान में गहलोत के महासचिव और पूर्व गृह राज्य मंत्री अलवरपुर सांसद जितेंद्र सिंह को ओडिशा का प्रभारी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। केंद्र में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हमारे प्रदेश में हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक गहलोत जी को जो केंद्र में इतनी बड़ी जगह राहुल गांधी के बाद दूसरे स्थान पर जो जगह दी है जनार्दन द्विवेदी जी के जगह, तो उसी के लिए आज सभी महिला कांग्रेस ने खुशी मनाई है। साथ ही जो हमारे आदरणीय भाव जितेंद्र सिंह जी थे उनकी जगह उनको उड़ीसा में महासचिव लगाया है और उनका वहाँ का प्रभार उनको सौंपा है। तो अलवर जिले के लिए साथ ही पूरी प्रदेश की जनता के लिए बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री को एक केंद्र में इतना बड़ा सत्ता सौंपने के लिए इतनी बड़ी वो जिम्मेवारी सौंपने के लिए हम राहुल गांधी का धन्यवाद देते हैं। साथ ही महिला कांग्रेस आभार जताती है और खुशी व्यक्त करती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने राजस्थान के नेताओं को शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचाया है। हमारे यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री सबके लाडले भंवर जितेंद्र सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी को आज राष्ट्रीय स्तर पर जो मान और सम्मान दिया है, भंवर जितेंद्र सिंह जी को उड़ीसा का प्रभारी बनाया है और गहलोत जी को राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी ने अपने बराबर साथ काम करने का मौका दिया है, इसके लिए हम सब हर्षित हैं। महिला कांग्रेस ने खुशी जताई है और राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त किया है कि हमारे नेताओं को उन्होंने जो मान सम्मान दिया हम उनका धन्यवाद देते हैं। उधर अशोक गहलोत के तजुर्बे का फायदा राहुल गांधी केंद्र में संगठन को मजबूत बनाने में लेना चाहते हैं। पिछले चुनाव में भी भाजपा को टक्कर देने में गहलोत की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। अशोक गहलोत 1985 में मात्र 34 वर्ष की उम्र में 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1980 और 94 में जोधपुर से सांसद रहे और केंद्र में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में मंत्री भी रहे। वहीं 1991, 96 और 98 में फिर सांसद बने। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में स्वतंत्र प्रभार कपड़ा मंत्री भी बने। राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर 1998 से 2003 और 2008 से 2013 तक जिम्मेदारी संभाली। साथ ही 2004 से 2009 तक हिमाचल और छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर भी काम संभाला और 2017 में गुजरात के प्रभारी बने और विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी टक्कर भी दी।
इस दौरान राहुल गांधी ने अशोक गहलोत की कार्य क्षमता को समझा और केंद्र में अपनी टीम में लेने का मन बनाया। गहलोत ने संगठन की जिम्मेदारी संभालने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया, साथ ही राजस्थान की जनता के स्नेह पर भी आभार जताया। वहीं जोधपुर के सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता गहलोत को बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं गहलोत ने भी उनसे दोगुने उत्साह के साथ जुटने के लिए कहा। गहलोत ने शुक्रवार शाम को कही बात शनिवार सुबह कार्यकर्ताओं के सामने दोहराई कि संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। इसी पद पहुंच जाऊँ निकल जा छोटी बड़ी, पर मैं ठाकुर दूर नहीं रहूंगा। मेरे दिल में हमेशा राजस्थान के जो कोना कोना है, ये गांव है, ये ढाणी है, वहां तक मैं ठाकुर दूर नहीं रहूंगा। ये मेरे खून में है, ये मेरे ब्लड के अंदर है कि मैं यहाँ की जनता का मुझे इतना प्यार मिला है। 10 साल मुख्यमंत्री रहना बहुत बड़ी बात है। आज जो मुझे प्यार मिल रहा है गांव में ढाणी में, ये मेरे लिए कोई ऊपर से बड़ा काम नहीं। राजस्थान की जनता का आज जो प्यार मेरे दिल में है, वो कोई भी ऊपर से बड़ा भावना है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस का यह दांव आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या इफेक्ट डालता है।